इंडिया इज सो डाइवर्स, हम ना ये हमेशा से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी जब तसल्ली से बैठकर ये सोचने की कोशिश करें ना कि इंडिया आखिर कितना डाइवर्स है, तो मुझे लगता है ना कि हम बस सरप्राइज्ड ही होते रहेंगे। पिछले 5 सालों में इंडिया के कई सारे हिस्सों में ट्रैवल करने के बाद मैं तो ये यकीन के साथ कह सकती हूँ, और अगर आपको इंडिया की डाइवर्सिटी का सही मायने में अंदाजा लगाना है ना, तो एक बार अरुणाचल प्रदेश चले आओ। इंडिया का रिमोटेस्ट स्टेट कहा जाता है इसे। रिमोट तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि यहां पहुंच ही ना पाओ। यहां पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे ना अगर अच्छे से एक्सप्लोर करना है, उसके लिए तो थोड़ी सी प्लानिंग और ढेर सारे शिद्दत की जरूरत है, और वो इसलिए क्योंकि अरुणाचल ना महसूस करने से ज्यादा एक देखने वाली जगह है। 26 डिस्ट्रिक्ट्स, 26 ट्राइब्स, 100 से भी ज्यादा सब ट्राइब्स हैं यहाँ। हर एक ट्राइब का एक अपना डायलेक्ट और बहुत सारे फेस्टिवल्स। इन सिंपल वर्ड्स, इंडिया के अंदर बसा एक अलग सा इंडिया, सो डाइवर्स, सो यूनिक एंड सो रिच इन कल्चर। Hey guys, welcome to Desi Girl Traveler and welcome to Arunachal. मेरे चैनल पे चौथी बार आपका अरुणाचल में स्वागत है। टुडे इज 11th of April एंड आई केम टू अरुणाचल yesterday, एंड करेंटली आई एम एट अ विलेज विच इज क्लोज टू ईटानगर, मैं इसका नाम भूल चुकी हूँ। सो इन अरुणाचल प्रदेश दे आर ऑल टुगेदर 26 डिस्ट्रिक्ट्स, तो 26 डिस्ट्रिक्ट्स में से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मैं इस बार अपने ट्रिप पे एक्सप्लोर करूँगी और कुछ नए ट्राइब्स के घर जाऊँगी, जो कि मेरा काफ़ी फेवरेट काम है। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ एक्सप्लोरिंग द अनटच्ड लैंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये गांव जहाँ मैं हूँ ये थोड़ा ऑफ बीट ही है, और जहाँ मैं जा रही हूँ वो तो मतलब ऑफ बीट से भी ज़्यादा ऑफ बीट जगह है। आज की सुबह मैं जिस जगह पे हूँ ना, ये मेरे लिए कुछ नई जगह नहीं है। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन पिछली बार ना यहाँ मुझे ज़्यादा कुछ देखने का मौका नहीं मिल पाया था, और शायद इसलिए मेरी किस्मत मुझे अरुणाचल के इस हिस्से में एक बार फिर से लेकर आ गई है। शायद वो भी ये चाहती है कि मैं ये वाले अरुणाचल को भी ना आप लोगों तक बहुत अच्छे से पहुँचा पाऊँ। मैं लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट एंटर कर चुकी थी कल शाम को। करंटली आई एम वॉकिंग इन लॉन्गडिंग टाउन। लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में मेनली यू विल फाइंड वांचू ट्राइब्स, और उनके ही एक गांव में मैं आज जा रही हूँ। द विलेज नेम इज कौन सा, सो इफ यू फॉरगेट द नेम यू कैन से कौन सा विलेज, इट्स कौन सा विलेज। अभी कौनसा के रास्ते में ही एक मार्केट जैसी कोई जगह मिली है मुझे, दिस इज़ कॉल्ड पांगचाओ। इंडो म्यांमार बॉर्डर के काफ़ी पास है, तो यहाँ पे म्यांमार से भी लोग आते हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। देर आर सो मेनी शॉप्स हियर, लाइक डेली नीड्स की जो चीज़ें होती हैं, ग्रोसरी हो गया, आपके प्लास्टिक का सामान, सब्जी, फल, पीपल फ्रॉम म्यांमार दे कम हियर फ्रीली, दे कैन वॉक
एंड दे डू देयर ग्रोसरी शॉपिंग और फिर चले जाते हैं वापस. लुक एट द गन. हाउ ओल्ड आर यू? आपकी एज कितनी हुई है? एज कितनी हुई है? 60-70 हो गया. यू लुक वेरी यंग. आप बहुत जवान दिखते हो. Hi, my name is Khun Wang. And where are we, Khun Wang? Oh, now we are entering Konsa village. And you can see the trails there. So these are trails that, you know, goes up to the border there. Those ones. On the other side of the mountain ridge, you have the Burmese villages. Okay. Side. सुना तो हो गई. कभी कभी ना लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ चीजें हो ही नहीं पाती हैं. क्योंकि वो चीजें ना फ्यूचर में हमारे लिए बेटर वे में होना चाहती हैं. लॉन्गलिंग डिस्ट्रिक्ट में जब मैं पिछली बार आई थी ना, तो मैंने बहुत कोशिश की कि यहाँ के लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाऊं. तब मेरी वो विश पूरी ही नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसे अब पूरा होना था एक बेटर वे में. एंड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट? वेल, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी. Meet Wancho tribe and I have reached Konsa village. Wancho tribe ke bare mein main aapko thodi si cheeze bata dun. Wancho tribes are culturally the Nagas, but ethnically they are related to the Konyak tribes of Mon in Nagaland. So Konsa gaon mein aaj bhi kingdom hai. Ek chief hai yahan pe, raja bolte hain unko, jinko local language mein Wangham bolte hain. Main unke ghar ke samne khadi hu abhi. Let's go inside his house. And see, we have a lot of things to see. Oh my God, this is one moment I have waited for so long. Hi. Namaste. Namaste, namaste. मैं हूँ फिलहाल चीफ के घर में और चीफ के साथ बिल्कुल खड़े हूँ. नमस्ते चीफ. नमस्ते. मुझे ये बताओ, आप मतलब आपकी ये कौन सी जनरेशन फिलहाल है? आप किस जनरेशन से हो? इस मेरा जनरेशन 6 नंबर है. 6 नंबर पे हो आप? तो पिताजी ग्रैंडफादर करके मैं 6 नंबर अभी तक चला रहा हूँ. अच्छा, तो 7th जनरेशन की जो कुर्सी होगी वो किसको मिलेगी? ये सबसे मेरा बेटा, सबसे बड़ा बेटा होगा, उसको कुर्सी मिलेगी. आपके कितने बेटे हैं अभी? मेरा 8 बेटा है. अच्छा, 8 बेटा में से सबसे बड़ा को कुर्सी मिलेगा. अच्छा. बस्ती का नाम कौनसा है? ओके. ये इंडियन का लास्ट बस्ती है. यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है बर्मा बॉर्डर. ओके. यू कैन सी अ लॉट ऑफ वुमेन कमिंग आउट हियर इन द चीफ्स हाउस. और अभी एक यहाँ पे लोकल परफॉर्मेंस होंगी ऑफ वांचो ट्राइब्स वुमेन एंड मेन. सॉप मतलब कुर्ता है, और कुर्त के उसको हम चावल आटा बना के हम खाता है. तो उसमें उल्लू का एक गाना का मतलब ये है कि उल्लू का जब जवान जवानी का समय में एक साथ करके मकई कुनीदान घूरेगा, बाद में जब सारी सुरा होके चला जाएगा तो पता नहीं कह कह जगह में सारी होगा, तो वो लोग एक साथ नहीं मिल सकता है. कोई मरेगा, कोई जिएगा, और कोई अलग बस्ती में अलग जगह में सारी होके जाएगा. तो एक दूसरा का याद में, खुशी में ये गाना, इसे टाइप का गाना गा के मकई और कुनीदान कूदता है. चीफ, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? हाउ मेनी क्वींस डू यू हैव? 4. एंड हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस थिंग, बिकॉज दिस इज समथिंग फॉर अस, इट्स अ वेरी बिग थिंग टू हैव 4 वाइव्स. हाउ डू यू मैनेज दैट?
पहले तो 10-20 भी होता था। अच्छा, लेकिन मैं भी एक न्यू जनरेशन है, तो नया जनरेशन का हिसाब से मैं एक लिमिट में, ओके, मेरा सारी लिमिट में किया है। पिताजी और ग्रैंडफादर लोग तो 10-20 भी करता था। हाँ, ये तो हम लोग का नियम है। हाँ, वो नियम तो है, इसलिए मुझे पता है। तो वो चार शादियाँ आपने कितने इंटरवल में की? क्या पहली शादी के बाद दूसरी शादी कितने सालों बाद करी? उसमें 2-3 साल। अच्छा, गैप मतलब एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता। मुझे आप इनसे मिलवाओगे? मैं मिल सकती हूँ? नहीं नहीं, वो लोग नहीं मिलेगा। नहीं मिल सकती हूँ? ओके, कोई बात नहीं। तो उसमें हम तो मिल सकता है, क्योंकि हम और लोग से हम मिल सकता है, लेकिन और लोग नहीं मिलेगा। ओके ओके, तो आपको 4 क्वीन से यू हैव 8 सन्स? हाँ, एंड नो डॉटर्स? 8 सन प्लस 5 डॉटर, ऑल टुगेदर 13 चिल्ड्रन। नाइस। तो ये डांस का नाम है हुंगलोक। हुंगलोक ये हुंगलोक डांस अभी वो लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं। कौन सा बस्ती का जो एल्डर्स लोग हैं? अरुणाचल में हर ट्राइब का एक अपना फेस्टिवल होता है, एक अपना डांस होता है। तो अभी हम यहाँ पे वांचो ट्राइब्स का जो ट्रेडिशनल डांस है वो देखेंगे, जो वो उड़िया फेस्टिवल में परफॉर्म करते हैं। Important part of Wancho tribe women attire. There was a time when they used to wear only beads jewelry. There was no culture of clothing back then, but now things have changed. But still, beads are still a very important part of their outfit. And in fact, Wancho tribe mein beads ki jo weaving hoti hai aur ye jo jewelry banate hai, ye kafi important part hai inke culture ka. And I have 3 neck pieces here. Aur ye beads ka bhi color ka different meaning hai. It's quite heavy. So let me try this. Can somebody help me with this? Top Rani. हाँ, आपको रखना पड़ेगा। तो टॉप रानी, राजा ऑलरेडी हैज 4 क्वींस। ओके, सो दिस इज हाउ यू वेयर इट प्रॉपर्ली। सो दे हैव अ कल्चर ऑफ वेयरिंग अ हेड गियर, बीट्स का हेयर बैंड जैसा दे वेयर, एंड दे वेयर नेकलेसेस इन लेयर्स, सबसे लंबा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और मुझे लगता है कि मैं शायद थोड़ी अच्छी दिख रही हूँ और लोगों को इतना पसंद आ रहा है, वो कह रहे हैं कि इसको यहाँ की रानी बना लो। The king already has 4 queens. Mera raja yahan to nahi hai, kam se kam. See, we are now, you're not allowed to go back, you know. Why? People have said like you have to stay here back for to be the queen. Oh, I'm a queen. Am I qualified to be a queen? Yeah, you're not allowed to go but back. I have heard. We have to leave you back. Sorry. You're going. Bye bye. Taking our glamour is hijacked in Konsa village in Longting district. Wancho tribes ke saath. Kal ko agar main nahi mili na, samajh jana main yahan hijacked hu. Rani banke. Rani banke. Yes. अच्छा, वांचो ट्राइब्स के जो घर होते हैं ना, वैसे तो ये चीफ का घर है, बट नॉर्मली भी आप लोकल, मतलब जो बाकी के गांव वालों का भी घर आप देखोगे ना, वो काफ़ी अलग है। अरुणाचल प्रदेश में या नॉर्थ ईस्ट में जितने भी घर होते हैं वो मोस्टली एलिवेटेड होते हैं, एज ए नीचे में दे पुट एनिमल्स एंड ऑल, दे कीप एनिमल्स और उसके ऊपर वो रहते हैं। लेकिन वांचो ट्राइब्स के घर काफ़ी अलग होते हैं। यू कैन सी, ये ग्राउंड से ही बिल्कुल शुरू होता है और ये जो हट है उसका जो टॉप का पार्ट है, इट्स कवर्ड विद टोको पात, इट्स एक लोकल पत्ता होता है, उससे वो लोग अपनी छत बनाते हैं। हाउ हाका, मैं लोकल लैंग्वेज को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रही हूँ, बस सीखने की कोशिश कर रही हूँ। होम वा, इट्स डिफिकल्ट। कुछ कुछ होता है, गाना नहीं है क्या? इसी टाइप का हमारा ये गाना है, यही एक क्वींस ने गाता है। ओके ओके, ये मतलब उसका तरफ से तो अच्छा से सुनाने का दिल है, प्यार दिखा रहे हैं ना, दिखा रहे हैं। उसका जमाना में ऐसे जवान लड़की लोग के साथ में गाता था। अच्छा, रोमांटिक सॉन्ग गा रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्या ही दिन आ गए मेरे। लेट्स लर्न हाउ टू कॉल नमस्ते इन वांचो लैंग्वेज। माई माई तेजा। I learned how to greet people in Wancho tribe. माई माई तेजा वोंकन सलाम नमस्ते। कुछ कहना चाहती थी आप लोगों से। इंडिया के जिस हिस्से में मैं पली बड़ी हूं ना, वहां ट्राइब्स का मतलब ही नहीं समझते लोग, एंड आई डोंट ब्लेम देम।
कभी किसी ने अच्छे से समझाने की कोशिश ही नहीं की। बचपन में कई बार सुना कि ट्राइब्स तो काफी खतरनाक होते हैं, लेकिन आज से 2 सालों पहले ना, जब मैं पहली बार इनसे मिलने आई थी, तब इतना तो जरूर समझ गई थी कि खतरनाक ये नहीं, हमारे प्रिजम्पशंस होते हैं। बिना देखे, बिना सोचे, बिना कुछ जाने हम बस इनके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं। ये लोग तो काफी सिंपल हैं और हद से ज्यादा फ्रेंडली भी, अपनी कम्युनिटी से काफी प्यार करते हैं और बाहर वालों को तो उससे भी ज्यादा। बस इनको थोड़ा वक्त लगता है हमारे साथ खुलने में, और जो एक बार खुल गए, फिर तो आप इनकी भाषा समझो या ना समझो, इनके प्यार को ना जरूर समझोगे, और इनकी हॉस्पिटैलिटी भाई वो तो आप जिंदगी भर याद रखोगे। So pretty. Very beautiful, beautiful. This looks very beautiful. Sundar. टाइम आ गया है खाना खाने का, और आज हमें खाना सर्व किया गया है ट्रेडिशनल वे में। चीफ के घर में हैं क्योंकि हम, और चीफ के घर में जैसे मेहमानों को खाना दिया जाता है, वैसे ही बिल्कुल हमें भी दिया गया है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। सो दिस इज़ द फूड वी हैव बीन सर्व्ड। रेड राइस, वी हैव सम ड्राई मशरूम, आलू, एग्स, एंड देन वी हैव सम साग, वी कैन कॉल इट लाइक ग्रीन लीफी वेज। दिस इज़ द फूड। ओ सॉरी, मैंने टेबल ही उठा ली, बट देयर इज़ नो अदर वे टू शो इट। आओ खाना खाएं। Time to leave from the chief's house in Konsa village. Bye. Bye. Thank you so much. Bye. Bye. Chief, namaste. Namaste. Thank you so much for everything. Hopefully dobara milenge. Pakka aaiye. So this house belongs to the second chief of this village, Konsa village, and hi, he's the second chief. You can see some beads on his calves, so that's the sign. जो भी ऐसे पहने, understand that that person belongs to the royal family. And यहाँ पे मुरांग भी है इनके घर के अंदर। मुरांग is basically a dormitory जहाँ पे youth को train किया जाता है to become a man. Let's go inside and see what we can find here. So see the skulls, they kill monkeys so that unke crops destroy na ho, and this is a site you will mostly see in all the villages in Arunachal Pradesh. It's a shield which was used during wars in the past. So this is made of buffalo skin, but there's a whole process of making it, you know. It would take 4 to 5 months, and it's so hard that even the bullet can't get inside, you know. Oh. If somebody shoots you, it'll just flip. How many generations old? So 5 generations old. Wow. They use it during the festival. To perform war dance. So here you can see the log drum, and the log drum is always, you'll find it in the bang. Bang used to be the men's dormitory. The young man of the village, they used to come together, they used to sleep here, stay here, you know. It was also a house to guard the village. In the past, that head hunting was prevalent, you know. So in order to defend the village, the young people used to come together, and from here they used to safeguard the village. In case of some emergency, they would send signals by beating this drum. It has different rhythms. Here is different. Here is different. So yeah, ये इनका code language है, in a way you can say that. तो head hunting की जब practice होती थी तो गांव वालों को alert करने के लिए they used to have this kind of sounds जो local समझते थे. खैर मेरा तो Konsa village का ये tour यहीं पे ख़त्म हुआ, लेकिन जाते जाते मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, ये जगह बिल्कुल उतनी ही friendly है जैसे कि इंडिया की बाकी सारी जगह हैं, और यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे से आपको ग्रीट करेंगे। आई प्रॉमिस यू, आई केम हियर विथ अ गाइड, एंड दैट इज़ समथिंग आई सजेस्ट टू यू गाइज ऑल्सो, कि आप यहाँ पे अकेले मत आओ। इफ़ यू कम विथ अ गाइड इट्स ऑलवेज गुड, बिकॉज लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू नो द लैंग्वेज ऑफ लव, इफ़ यू नो द लैंग्वेज ऑफ स्माइल, यू आर गोना बी सो कम्फर्टेबल एंड एन्जॉय एवरी बिट ऑफ दीज विलेजेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में
वांचो ट्राइब्स को उनके कल्चरल एलिमेंट में देखने का मेरा ये ड्रीम तो पूरा हुआ। और आज ये सब कुछ देखने के बाद इंडिया की डाइवर्सिटी के ऊपर ना मुझे पहले से भी ज़्यादा यकीन हो गया है। इंडो म्यांमार बॉर्डर पे बसे इंडिया के इस लास्ट विलेज से मैं तो आज निकल रही हूँ, लेकिन अरुणाचल के अनटच लैंड को एक्सप्लोर करने का मेरा ये सफ़र अभी बस शुरू हुआ है। अगले एपिसोड में हम चलेंगे अरुणाचल के एक ऐसे गांव में जहां हमें इंडिया के अनसंग हीरोज की कहानियां सुनने को मिलेंगी। आई वुड लाइक टू कॉल देम द हिडन जूल ऑफ इंडिया।